मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाली इमरती देवी एक बार फिर चर्चाओं में बनी हुई है। ग्वालियर के डबरा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी की भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है। शिकायत में कहा गया है कि बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी ने अपना आपराधिक रिकॉर्ड छुपाया है। उन पर 7 अपराध दर्ज है। इमरती देवी के खिलाफ 7 मुकदमों में 6 मुकदमे डबरा सिटी थाने और 1 मुकदमा पिछौर थाने में दर्ज है। उनका नामांकन निरस्त कर आपराधिक केस दर्ज करने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता संकेत साहू ने अपनी शिकायत में कहा कि इमरती देवी ने जानबूझकर आपराधिक प्रकरण और तथ्य छिपाकर फॉर्म भरा है। निर्वाचन आयोग दिल्ली, भोपाल और माननीय श्री अक्षय कुमार सिंह जी, जिला निर्वाचन अधिकारी जी को एक मामला संज्ञान में लाया गया है, एक आवेदन दिया गया है, जिसमें डबरा विधानसभा 19 से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती इमरती देवी के द्वारा है ना, जो 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें अपनी आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छिपाई गई है। क्या क्या अपराध? इनके खिलाफ डबरा शहर थाने में 6 मुकदमे कायम हैं और पिछोर थाने में 1 मुकदमा कायम है। 7 के 7 प्रकरण जानबूझकर अपने शपथ पत्र में इमरती देवी जी के द्वारा छुपाए गए और ये पहला मौका नहीं है कि 2023 में ही इन्होंने अपने प्रकरण छुपाए हैं। इमरती देवी जी के द्वारा पहला चुनाव 2008 में डबरा विधानसभा से ही लड़ा गया था और 2008 के भी शपथ पत्र में, 2013 के शपथ पत्र में, 2018, 2020 और 2023 पांचवा विधानसभा चुनाव है, इमरती देवी जी के द्वारा सबके सब शपथ पत्रों में विधानसभा चुनावों में अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी जानबूझकर छुपाई गई है। वकील साहब द्वारा एक आवेदन आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कैंडिडेट के खिलाफ, जिसमें उनके द्वारा यह बताया गया था कि कुछ शपथ पत्र में कुछ तथ्य छुपाए गए हैं। तो चूंकि शपथ पत्रों की स्क्रूटनी एक दिन पूर्व ही हो चुकी थी, परसों ही हो गई थी, और शपथ पत्र विधिमान होने से स्वीकृत किए गए जा चुके थे, इसलिए वर्तमान में किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया।